सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कौशाम्बी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। नवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। नवरात्रि संस्कृत का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है नौ रातें। इन नौ रातों और दस दिनों के दौरान देवी के नौ रूपों की पूजा की जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल में चार नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। नवरात्रि का पर्व प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष के प्रारंभ होकर नवमी तिथि तक चलता है। आइए जानते हैं कि हिंदू धर्म से इस पर्व का क्या महत्व है। देश भर में नवरात्रि की धूम। साल में दो बार मनाया जाता है नवरात्रि का पर्व। कलश स्थापना की विधि और शुभ मुहूर्त। चैत्र नवरात्रि में रखे रंगों का विशेष ध्यान। कलश स्थापना की होती है अपनी विधि। चैत्र नवरात्रि में रखे रंगों का विशेष ध्यान। नवरात्रि पर बन रहे हैं नौ दुर्लभ संयोग। चैत्र नवरात्र में मैया की पूजा के साथ ही उनके साज श्रृंगार की तैयारियों में भक्त जोरों शोरों से जुट जाते हैं। नवरात्र पर कारोबार चमकाने के लिए बाजार भी सजाए जाते हैं। माता की मूर्ति, चुनरी, नारियल, रोली, लौंग से पूजा की थाली और टोकरी तक की खरीद शुरू हो गई है। माँ के नौ स्वरूपों वाली मूर्तियों की भी काफी मांग है। शहर में बहुत सारी दुकानें सज गई हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि नवरात्र पर श्रद्धालु नौ दिन तक व्रत रखते हैं। मंदिरों में घट स्थापना और अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है। नौ दिनों तक चलने वाले इस पवित्र पर्व में माँ दुर्गा की खास पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन हर घर में घट स्थापना की जाती है। इस दिन हर घर में अखंड ज्योत जलाकर माँ का स्वागत किया जाता है। नवरात्रि के इस पर्व में नौ दिनों तक देवी दुर्गा के नौ अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। चैत्र नवरात्रि घट स्थापना के शुभ मुहूर्त की शुरुआत 22 मार्च को सुबह 6:23 से 7:32 तक है। चैत्र नवरात्रि प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 21 मार्च 2023 को रात 10:52 और प्रतिपदा तिथि का समापन 22 मार्च 2023 को रात 8:20 होगा। कलश स्थापना की विधि। घट स्थान के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। घाट स्थापित करने से पहले भगवान की मूर्ति को साफ जगह पर लाल कपड़ा बिछा देना चाहिए। फिर किसी बर्तन या साफ जगह पर मिट्टी डालकर उसमें जौ के बीज डाल दें। इस बात का ध्यान रखें कि कलश रखने के लिए बर्तन के बीच में जगह हो। अब कलश को बीच में रखकर मौली से बांध दें और उस पर स्वास्तिक बनाएं। कुकु को कलश पर रखें, फिर कलश में गंगा जल भर कर रखें। इसके बाद कलश में साबुत सुपारी, फूल, इत्र, 5 सिक्के और 5 विदा पत्ते रखें। देवी देवताओं का आह्वान करते हुए कलश की पूजा जरूर करें। नियमित रूप से जौ में पानी डालते रहें। 1-2 दिन के बाद आप देखेंगे कि जौ के पौधे उगने लगे हैं। चैत्र नवरात्रि में रखे रंगों का विशेष ध्यान। नवरात्रि में मान्यता है कि माँ दुर्गा की उपासना करने से साधक को सभी प्रकार की परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में साधक विभिन्न नियमों का भी पालन करते हैं, जिनमें से एक नियम ये है कि पूजा के समय साधक को देवियों के प्रिय रंग को ध्यान में रखकर ही वस्त्र पहनना चाहिए। साथ ही उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए
कि पूजा के समय पहने गए वस्त्र गंदे या फटे हुए ना हो। नवरात्रि पर बन रहे हैं 9 दुर्लभ संयोग। इस साल नवरात्रि के 9 दिनों में 9 दुर्लभ संयोग बने हैं। शनि और मंगल मकर राशि में रहेंगे, जबकि रवि पुष्य नक्षत्र सर्वार्थ सिद्धि योग रवि योग एक साथ आ रहे हैं। इसके अलावा मीन राशि में सूर्य बुध की युति से बुधादित्य योग बनता है। कुछ राशियों के लिए ये योग शुभ है। नवरात्रि के दिनों में देवी के साथ गणपति की पूजा करनी चाहिए, जिससे आपको हर काम में सफलता मिलेगी। इन दिनों में माँ दुर्गा की भक्तों पर विशेष कृपा रहती है, जो सच्चे मन से नवरात्रि में देवी के 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं, उसकी सभी मनोकामना पूरी होती है। नवरात्रि का पर्व साल भर में 4 बार मनाया जाता है, लेकिन आश्विन और चैत्र मास की नवरात्रि दुनिया भर में सबसे ज्यादा प्रचलित है। Thank you.